हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की टॉपिक है हेल्प योर सेल्फ बिफोर यू कॉल फॉर हेल्प। कि हेल्प योर सेल्फ, खुद की मदद करो बिफोर यू कॉल फॉर हेल्प। किसी से मदद मांगने से पहले खुद की मदद करो। डू यू ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर्स, क्या आप हमेशा डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं ऑन अदर्स, दूसरों पर। टू डू थिंग्स, उन चीज़ों को करने के लिए फॉर यू, आपके लिए। बिफोर यू सीक हेल्प, दूसरों से मदद मांगने से पहले। सीक हेल्प का मतलब यहाँ पर हो गया मदद मांगना। यू मस्ट ट्राई टू डू थिंग्स, आपको अवश्य ही कोशिश करना चाहिए उन चीज़ों को करने का विच यू कैन डू योर सेल्फ, जो आप खुद से कर सकते हैं। जैसे कि गेटिंग रेडी, तैयार होना इन द मॉर्निंग, सुबह में। टेकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी लेना। अरेंजिंग योर बुक्स, अरेंज का यहाँ पर मतलब हुआ व्यवस्थित करना, अपनी किताबों को व्यवस्थित करना। पॉलिशिंग योर शूज, अपने जूतों को पॉलिश करना। इट मेक्स, या बना देता है योर पेरेंट्स, आपके माता पिता को हैप्पी, खुश। एंड यू डेवलप, और आप डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं। डेवलप का यहाँ पर मतलब हुआ विकसित करना। कॉन्फिडेंस, विश्वास इन योर सेल्फ, खुद में। यहाँ पे स्टोरी है सेल्फ हेल्प के बारे में, खुद की मदद के बारे में। यहाँ पे एक आदमी भीकू के बारे में है कि भीकू हैड मैनी मैंगोज ट्रीज, भीकू के पास कई आमों का पेड़ था। इन हिज ऑर्चार्ड, उसके बगीचे में। ऑर्चार्ड का मतलब बगीचा। द मैंगोज हैड रैपनेट, रैपन का मतलब होता है पकना, पक जाना। आमें पक चुकी थी। दे हैड टर्नड, यहाँ पर दे उन आमों के लिए आया है। दे हैड टर्नड, वो बदल चुके थे। टर्न मतलब बदलना। फ्रॉम ग्रीन टू गोल्डन, हरे से किस रंग में, तो गोल्डन, सुनहले और पीले रंग में। नाउ, अब भीखू कुड सेल देम, भीखू बेच सकता था उनको, यानी कि उन आमों को। इन द मार्केट, बाजार में। ही पुट द मैंगोज, उसने पुट किया मतलब रखा द मैंगोज, आमों को। इन द सैक, सैक मीन्स होता है बोरा। एंड लोडेड देम, और उसे लाद दिया। लोड का मतलब लादना। देम ऑन हिज कार्ट, अपने गाड़ी पर। कार्ट, पहिए वाले गाड़ी को कार्ट कहा जाता है। देन ही सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब होता है रवाना होना, चल देना। तब वह रवाना हुआ फॉर टाउन, शहर के लिए। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, सूरज जो है बड़ी ही उज्ज्वलता से चमक रही थी। शाइन का मतलब चमकना। बट ही हैड नॉट गॉन फार, फार का मतलब दूर, लेकिन वह दूर नहीं गया था। वैन द वेदर चेंज्ड, जब मौसम बदल गया। वेदर का मतलब मौसम। एंड इट बिकेम क्लाउडी, क्लाउडी कहा जाता है जब बादल से मौसम घिर जाता है, बादल से घिरा हुआ। तो ज़्यादा वह दूर गया नहीं था जब मौसम बदल गया। एंड इट बिकेम क्लाउडी, और यह बादल से घिर गया। सून, जल्द ही। इट स्टार्टेड रेन, वर्षा होने लगी। भीकू टुक शेल्टर, यहाँ पर टेक का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, सिंपल पास्ट। भीकू ने आश्रय लिया, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय या शरण। अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री, एक पुराने से बरगद के पेड़ के नीचे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। इट स्टॉप्ड रेनिंग, बारिश होना बंद हो गई। भीखू सेट, भीखू बैठा ऑन हिज कार्ट, अपने गाड़ी पर। एंड स्टार्टेड टू मूव, और चलने लगा टुवर्ड्स द टाउन, शहर की ओर। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। बट द व्हील ऑफ हिज कार्ट, लेकिन उसके गाड़ी का व्हील, पहिया, गॉट स्टक, फंस गया। इन द मड, मड का मतलब कीचड़। ही डिड नॉट नो, उसे नहीं पता था, वह नहीं जानता था व्हाट टू डू, कि क्या किया जाए। ही थॉट, उसने सोचा, आई एम अलोन, मैं अकेले हूँ। अलोन का मतलब अकेले। एंड द कार्ट इज सो हैवी, और गाड़ी इतना भारी है। आई नीड, मुझे ज़रूरत है somebody's हेल्प, किसी की मदद की। बट देर इज़ नो बडीज अराउंड, लेकिन यहाँ पर कोई है नहीं। ही कुड नॉट लीव द कार्ट, वह कार्ट को नहीं छोड़ सकता था और जा सकता था। ही वॉज वेरी वरीड, वह काफ़ी चिंतित था। वरीड का मतलब चिंतित। ही नील्ड, नील का सेकेंड यहाँ पे फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट यूज किया गया है।
वह घुटने टेक दिया, वह नीचे घुटने टेक दिया। ज्वाइंड हिज हैंड्स, अपने हाथों को जोड़ा, ज्वाइन जोड़ना, हिज हैंड्स अपने हाथों को जोड़ा। एंड स्टार्टेड प्रेइंग टू गॉड, और गॉड से प्रे करने लगा, प्रार्थना करने लगा। ओ गॉड, हे भगवान, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। गॉड हर्ड हिज प्रेयर, ईश्वर ने उसके प्रेयर को सुन लिया। एंड अपीयर, अपीयर का मतलब होता है दिखाई देना, प्रकट होना। एंड अपीयर्ड, और प्रकट हो गए बिफोर हिम, उसके सामने। गॉड ब्लेस्ड हिम, गॉड ने उसे ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया, और कहें, भिखु माई सन, भिखु मेरे बेटे, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, मैं हमेशा ही तुम्हारी मदद के लिए हूँ। बट फर्स्ट, लेकिन पहले, यू मस्ट लर्न, तुम्हें अवश्य ही सीखना चाहिए, टू हेल्प योर सेल्फ, खुद की मदद करने के लिए। आई सॉ, मैंने देखा, डेट कि यू गैव अप, तुमने छोड़ दिया, तुमने हार मान लिया, गिव अप कर दिया। यहाँ पर गिव का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर लिखा गया है, मैंने देखा तुमने हार मान लिया, इवन बिफोर ट्राइंग, यहाँ तक कि कोशिश करने से भी पहले। आई ओनली हेल्प, मैं केवल हेल्प करता हूँ, दोज उसकी हूँ हेल्प, जो मदद करते हैं, देमसेल्व्स खुद का, यहाँ पे गॉड कहते हैं उसको, कि मैं उसी का मदद करता हूँ जो खुद की मदद करता है। देन गॉड डिसअपियर्ड, और उसके बाद गॉड जो है डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। डिसअपियर मीन्स गायब हो जाना। भिखू गॉट अप, भिखू उठा, गेटअप, गेटअप का यहाँ पर सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, गेटअप उठना। भिखू उठा, एंड ट्राइड टू गेट द कार्ट टू मूव, एंड ट्राइड, और कोशिश किया, टू गेट द कार्ट टू मूव, गाड़ी को चलाने का, बाय हिमसेल्फ, खुद से ही। इट डिड नॉट बज, बज का मतलब होता है हिलना, लेकिन यह हिला नहीं। ही ट्राइड हार्डर, उसने और कोशिश किया। स्लोली, धीरे धीरे, द व्हील ऑफ द कार्ट, गाड़ी का जो पहिया था, धीरे धीरे गाड़ी का पहिया, कैम आउट, बाहर आ गया, कैम आउट, कम आउट, बाहर आना, बाहर आ गया, ऑफ द वेट मड, उस गीले मड से बाहर आ गया, गीले कीचड़ से बाहर आ गया। वेट का मतलब होता है गीला, मड मतलब कीचड़। सून, जल्द ही, भिखू वॉज वंस अगेन, भिखू दोबारा जो है अपने वे पर था, अपने रास्ते पर था, टू द टाउन, शहर की ओर, टू सेल, बेचने के लिए, हिज मैंगोज, अपने आमों को। तो आई होप ये आप लोगों को